नमस्कार, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई थी, उस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी और सरकार की तरफ से हुआ भी वही। सरकार ने किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भी भेज दी। वहीं जब मुआवजे की राशि किसानों के खाते में पहुंची और किसानों को मैसेज के जरिए इस बात का पता चला तो किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही किसानों के खाते में आई राशि शासन को फिर से रिफंड हो गई, जिसके चलते किसानों के खिले चेहरे फिर से मुरझा गए। आपको बता दें कि अतिवृष्टि से मध्य प्रदेश के जावरा तहसील क्षेत्र के लगभग 55,361 किसानों की खरीफ फसल खराब हो गई। वहीं प्रशासन के सर्वे के बाद 51,79,60,400 रुपए की मंजूरी मुआवजा राशि के तौर पर दी गई। गौरतलब है कि हफ्ते भर पहले शासन ने मुआवजा बांटने के लिए 1100 करोड़ रुपए का ग्लोबल बजट भी जारी किया था। हालांकि ये नाकाफी रहा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस दौरान कई किसानों के खाते में पूरी मुआवजा राशि डाल दी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कहा कि अभी खाते में महज 25% मुआवजा राशि भेजी जानी, जिसके बाद तहसीलदार नित्यानंद पांडे ने आनन फानन में बैंकों को पत्र जारी कर कहा कि जो राशि किसानों के खाते में गई है उन्हें फिर से वापस जमा कराई जाए, जिसके बाद बैंकों ने किसानों के खाते होल्ड कर दिए और राशि वापस तहसीलदार को रिफंड करा दी गई। ग्वालियर के युवा किसान अगर कृषि के क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो ग्वालियर का कृषि केंद्र आपको इस काम में हर संभव सहायता करेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही आर्या योजना को लेकर अब ग्वालियर कृषि केंद्र ने भी कमर कस ली है। बता दें कि इस योजना के तहत देश के युवा किसान जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है, वो किसान मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और पौधशाला प्रबंधन के क्षेत्र में अपना रोजगार स्थापित करने के लिए निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। इस योजना को लेकर ग्वालियर कृषि केंद्र की ओर से जिले के किसानों को आमंत्रित किया गया है। हमने इस बारे में वहां के प्रमुख वैज्ञानिक राज सिंह कुशवाहा से इस बारे में बात की, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। आज यह प्रोजेक्ट है ना जी, ये इसका पूरा फार्मा अट्रैक्टिंग रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब जो युवा कृषक है उनको कैसे कृषि में व्यवसाय दिया जाए, ठीक है ना जी जी, है ना। तो इसमें क्या है, हमारे चार इसमें एंटरप्राइजेस लिए हैं। एक पहला है मुर्गी पालन, है बकरी पालन जी। तीसरा है मशरूम उत्पादन जी। चौथा है पौधशाला प्रबंधन। इसमें 50-50 युवाओं का सिलेक्शन करना है, तो इनकी ये ग्वालियर जिले के ही होना चाहिए जी। और इनको फिर विधिवत क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ट्रेनिंग दी जाती है 7-8 दिन की इनको ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जो भी एंटरप्राइजेज है इसमें बहुत ज्यादा फंड नहीं रहता, कुछ सहयोग जो भारत सरकार का पैसा मिलेगा उसका रहेगा, कुछ फार्मर्स को करना पड़ता है। ओके। और ट्रेनिंग जब हो जाती है तो उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और फिर ये क्या बैंक से, हम क्या जब ट्रेनिंग करते हैं तो बैंकर्स को भी बुलाते हैं। ओके। तो योजना के द्वारा तो बैंकर से अगर इनकी लाइबिलिटी सही है और ये ऐसा है कि रीपेमेंट कर पाएंगे तो बैंक इनको फाइनेंस भी करेगी और ये खुद का अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। जहां किसानों को जागरूक करने और उन्हें बेहतर खेती करने की ट्रेनिंग के लिए सरकारें अलग अलग संस्थाएं बनाती हैं, वहीं अधिकारियों की धांधली और मिलीभगत के चलते किसानों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसी ही सूचना हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आई है, जहां कृषि विभाग ने किसानों की ट्रेनिंग के नाम पर जायका यानी कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के लगभग 40 लाख रुपये धार्मिक संस्थाओं में बांट दिए। वही जब इसकी जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों को पड़ी तो उन्होंने इसके फंड पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने रिपोर्ट तलब के साथ अब तक ट्रेंड किए गए किसानों की लिस्ट भी मांग ली। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि किसानों को ट्रेनिंग देने के नाम पर धार्मिक संस्था को चुना गया, जबकि इस तरह किसी भी संस्था के चयन पर हमेशा टेंडर का आधार बनाया जाता है। वहीं सूत्रों की माने तो संस्था को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, हालांकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले पर कृषि निदेशक ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें कि साल 2012 में 321 करोड़ का जायका फेज 1 प्रोजेक्ट मंजूर कर रखा गया है, जिसमें प्रदेश के 5 जिले हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, ऊना व कांगड़ा जिले को चुना गया है, जिसमें किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें बेहतर तकनीक के बारे में जानकारी दी जानी है। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय हमीरपुर में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र के सवरेजी मनी गांव में बीते दिन एक गन्ने के खेत में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते किसानों का करीब 3 एकड़ गन्ना जलकर खाक हो गया। हालांकि जैसे ही किसानों को खेत में आग लगने की खबर मिली, वैसे ही तुरंत किसानों ने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और सूचना मिलने की कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।
आपको बता दें कि ये आग पास ही खेत में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली के कारण लगी। पराली की आग गन्ने के खेत तक पहुंची और किसानों का 3 एकड़ गन्ना जलकर खाक हो गया। खैर, पुलिस जांच में जुटी हुई है, मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में किसानों के भले की बात करते हैं। तो इस खबर को आप तक पहुँचाने का उद्देश्य यही था कि पराली को आग लगाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि पराली जलाने से जितना नुकसान पर्यावरण को होता है, उतना ही आपके और अपने परिजनों के लिए भी ये हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी खबरों को देखने और जानने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।